हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा पॉकेट्स। ब्रेड पकौड़े रोज़ खाते हैं ना, आज कुछ अलग अंदाज में बनाएंगे। वही चीज़ें रहेंगी लेकिन कुछ बनाने का हमारा स्टाइल डिफरेंट रहेगा। ये क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पॉकेट्स बन के रेडी होंगे, चटनियों के साथ खाएंगे। तो देने लगते बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इसके लिए चाहिए आलू। आलू उबले हुए लेंगे, उन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू पहले से उबाल कर रखे हुए मैंने और इन्हें मैं मैश कर रही हूँ। देखिए, आलू हमने मैश कर लिए। अब मैं इसमें बिल्कुल सिंपल से मसाले डालूंगी। इसकी थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और तीखेपन के लिए थोड़ी हरी मिर्चें, इसके अकॉर्डिंग नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए। देखिए, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसे चटपटापन देने के लिए थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर ऐड करी हूँ। ड्राई मैंगो पाउडर आपके पास नहीं है, आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। जब भी कोई स्नैक बनाते हैं तो थोड़ी सी खटाई ऐड करने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारा आलू मैश सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा बना कर रख लिया है। चलिए, ये तो रेडी है। अब हम बेसन का घोल बना लेते हैं। अब मैं बेसन ले रही हूँ, 1 कप करीब आप बेसन लीजिए, कम भी ले सकते हैं, थोड़ा ही बेसन लगेगा। उसमें नमक डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालिए और अजवाइन डालिए थोड़ी सी, आधा टीस्पून के करीब। और इसमें देखिए, मैंने लहसुन डाल दिया 2 चम्मच के करीब, कूटा हुआ लहसुन है। आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए, और थोड़ा हरा धनिया भी ऐड करिए क्योंकि बैटर में थोड़ा ग्रीन कलर दिखेगा तो अच्छा लगता है। इसमें पानी डालेंगे और पतला घोल बनाएंगे। जितना पतला घोल बनेगा उतने टेस्टी बनेंगे हमारे ब्रेड के पॉकेट्स। तो चेक करते हैं, लेकिन घोल मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देती हूँ और पतला घोल बनाएंगे। आप इसमें जब डिप करेंगे पॉकेट्स को, फ्राई करेंगे, तो जितनी पतली लेयर होगी बेसन की उतना ही क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। घोल रेडी, आलू मैश रेडी है। अब हम ब्रेड तो चाहिए ही, ब्रेड से बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा पॉकेट्स। तो ये देखिए, ब्रेड को काटिए, थोड़ी सी फ्रेश नहीं है ब्रेड, फिर भी काम चल जाएगा इससे। तो ब्रेड के पहले किनारे काटिए। ब्रेड के हमने किनारे काट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस पर हमने पानी या कुछ नहीं ऐड करना, इसके ऊपर कोई छींटा नहीं देना पानी का। ब्रेड पर हम यूं ही बेसन से रोल करेंगे ताकि ब्रेड एकदम पतली हो जाए, रोटी की तरह बेल लेना है इसे। तो देखिए, ब्रेड को मैं इस तरीके से बेलन चला रही हूँ प्रेस करते हुए, और कोई पानी कुछ नहीं ऐड किया, ब्रेड ऐसे ही फ्लैट हो जाएगी, सॉफ्ट होती है ऑलरेडी। तो इसे बेल कर पतला कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से ये हमारी अच्छी सी रोटी की तरह मैंने बेल लिया है। इसके बीच में आलू मैश रख रहे हैं जो हमने मसालेदार पहले से बना कर रखा है। पनीर से भी बना सकते हैं, इसमें आप मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाइए। तो मैंने सिंपल सी आपको रेसिपी बताई है, वेरिएशंस आप कर सकते हैं स्टफिंग में। और देखिए, इसे दबा दीजिए और ज़्यादा सील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसे बेसन में डिप करना है। ऐसे आप सारे पॉकेट्स को बना लीजिए। क्योंकि मैंने एक बार में जितनी तलनी है तो मैंने ऐसे पॉकेट्स 4 से 5 बना लिए हैं, इसे रख लिया है। और जब उन्हें तलना होगा तभी इसे बेसन में डिप करके डायरेक्टली उसी टाइम तेल में फ़ौरन ऐड करेंगे, गर्मा गर्म तेल में बनाएंगे। देखिए, बेसन का घोल रेडी है, पॉकेट्स रेडी है, देर नहीं लगाते, गर्मा गर्म तेल में तलेंगे। तेल गर्म होना चाहिए, आंच को मीडियम कर देंगे शुरू में, मीडियम आंच में पहले 2-3 मिनट, फिर तेज आंच में क्रिस्पी करके निकालेंगे। तेल गर्म है, मैंने आंच को मीडियम किया है। देखिए, बेसन के घोल में अभी मैं इसको पॉकेट को डिप कर रही हूँ, और इसे निकाल लीजिए और तेल में डाल दीजिए। ऐसे ही सारी पॉकेट्स हम तल लेंगे, एक साथ 4 बना लेते हैं। इस तरीके से पॉकेट्स को डालिए और एकदम से पलटने मत लग जाइए, पहले एक तरफ सिकने दीजिए फिर पलटेंगे। पॉकेट्स कुरकुरी होनी स्टार्ट होगी जब आप नेक्स्ट बैच बनाएं तो बेसन गाढ़ा लगे, तो आप पानी और नमक डालकर उसे फिर से पतला कर लीजिए। देखिए, क्रिस्पी कर लेते हैं इसे और थोड़ा सा। तो ये तो हमारी एक पॉकेट बनकर रेडी है जो हमने सबसे पहले ऐड की थी। देखिए, कितनी क्रिस्पी और बढ़िया बनी है। वही ब्रेड पकौड़ा लेकिन अंदाज इसको बनाने का थोड़ा अलग कर दिया है। वही चीज़ें घर पर रखी हैं लेकिन कुछ अलग तरह से बनाया जाए तो खाने वाले को और बनाने वाले को भी मज़ा आता है। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म ब्रेड पॉकेट्स, ब्रेड पकौड़ा पॉकेट्स बनकर रेडी। और ये देखने में भी कितनी अच्छी क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रही है। बीच में आलू हैं मसालेदार, साथ में मैंने हरी चटनी रखी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी रखी है। आप किसी चटनियाँ नहीं है, आप टमाटो केचप के साथ खा लीजिए, ऊपर चाट मसाला डाल लीजिए, टमाटो सॉस के साथ खाइए। तो इस उम्मीद के साथ आपको ये रेसिपी ईजी अच्छी लगी होगी, आप ट्राई भी करने वाले हैं, कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो मैं चलती हूँ, ये मैं हरी चटनी के साथ थोड़ा खा कर देखती हूँ। ये इमली की चटनी है, थोड़ा मैंने इमली भी डाली है इसमें, और ये खट्टी मीठी चटनी इमली वाली, ये देखिए थोड़ी ज़्यादा लगा ली है मैंने, पर चटनियों के साथ ही स्नैक्स का मज़ा आ जाता है। देखिए, तो मैं खा के आपको बताती हूँ, बहुत यम्मी बनी है, आप भी ट्राई कीजिए।
बार फिर मिलूंगी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी लगी। अगली बार फिर मिलूंगी। हाँ, अभी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।